पीड़िता दलित छात्री को न्याय पाया एओएसएफ कर्मकर्ता एम रामपुर थाना रे अभियोग राज्य रे आउ केते बेले नारी निर्यातना आउ केउठारे छात्री मानको गणबलात्कार घटना थमु नाही एभली एक घटना संपर्क में अवगत कराइछंती ऑल ओडिशा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पक्षरु। आज प्रकाश था कि कलाहांडी जिला रामपुर ब्लॉक स्थित बारबंधा ग्रामर जड़े नवम श्रेणी दलित छात्री को से ही विद्यालय जड़े शिक्षक व्यवहार प्रलोभन देखा शारीरिक संपर्क रखा पर शिक्षक जनक फेरार होता घटना सारा जिले में चकित कर दलित झीपति प्रशासन पक्षर एपर्त कौन प्रकार सहायता जोगा देवारे एवं न्याय देवारे प्रशासन समय दे नजी ऑल ओडिशा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वरिष्ठ कर्मकर्ता आईनजीवी दिगंबर दुरिया धनुज दीप विभीषण नायक ढग नायक सुभाष नाग एम रामपुर ब्लक्रु डोलेश्वर नायक वृंदावन नाग दुर्योधन नाग इंद्रमणि बाग नवकिशोर कुमार एवं धरणीधर नायक प्रमुख उपस्थित रही एम रामपुर थाना अभियोग कर कलाहांडी ओडिया ट्रेन प्रतिनिधि रामकुमार सेनापति रिपोर्ट। आज आम ऑल ओडिशा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन तरफ बारबंधा गाँ के आई किसी दिन तले आम इन गोटे शेड्यूल कास्ट झीव हाईस्कल जो असिस्टेंट टीचर ताकि विभिन्न प्रकार प्रलोभन देखकर ताकि किडनाप करवा संगे संगे तार सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन कर घटना जानला मीडिया चर्चा होगा आम आई पूरा स्पॉट के आसिक सब प्रकार पचारिचु आ कथा संपूर्ण सत्यता रही तो दुखर कथा घटना 7 तारीख होता आज एत दिन हो गला आज के तारीख है आज आज 21 तारीख हो गला 15 दिन पर भी अभियुक्त एपर् गिरफ ना से पिस्थित गोटे दलित नाबालिका के न्याय पावार लगे आम समस्ते एकत्रित सरकार पाखे दाबी करथाशीघ्र जेन आसामी अच्छे ताके तुरंत गिरफ्त करा जाए ता संगे संगे ये घटना के जेन माने प्रश्रय दे झील जहाँ घरे रही झील किडनाप होबारे झील के सेक्सुअली एक्सप्लोइट करवारे जेन जेन माने सामिल अच्छे से मानके भी तुरंत गिरफ्त करा जाए जेल के पठावार व्यवस्था करा जाए नहीं हेले आगामी दिन में ये ऑल ओडिशा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन तरफ आइदर एसपी ऑफिस घेरू होगा नहीं रामपुर थाना निश्चित भाव में आम धारणा।